गाइज इसको मैंने, सॉरी गाइज, इसको रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन वो ऐड नहीं हो पाया। चलिए फिर से इसको कर देते हैं। तो मानव कला में नाड़ी स्पंदन होती है तो उसी दर पर जिस पर हृदय गति करता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन दोनों की। स्त्री में रजनोवृत के पश्चात प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु उपर निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, तो 1 से 2 दिन के लिए। और है, निम्नलिखित में से कौन पित्तनाशक नहीं है? तो हिस्टामिन नहीं है। मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। और जो हार्मोन्स होता है मूड के लिए डिपेंडेंट है। और एंजाइम उपापचय एंटीऑक्सीडेंट ये गलत है, बाकी ऊर्जा वसा के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है? तो एमिनो अम्ल नहीं होता है। और ये है, गठिया रोग यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। और जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ समान रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच सत्व संतुलन बनाए रखता है फॉस्फोरस। सामान्य मनुष्य का जो शरीर का तापक्रम होता है 98 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। मानव शरीर का तापक्रम होता है ना तो जाड़े में घटता है ना ही बढ़ता है। और निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण अनुपस्थिति लवणता मतलब मेलानिन जो काले गोरे होते हैं कलर होता है काला गोरा का, ये डिपेंडेंट करता है मेलानिन की वजह पर। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु निम्नलिखित में कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो दो खनिज होते हैं वो सोडियम पोटेशियम होते हैं। और यह है, शरीर में क्रियाकलापों के व्यायाम के दौरान ग्लूकोज या ऊर्जा की खपत अत्यधिक बढ़ जाती है, इसका कारण होता है ऑक्सीजन का घटने से। मानव शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाले वसा का क्या कार्य होता है? शरीर के लवणों का क्षय रोकना, शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकना, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रोकना, सभी के सभी। यह सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो ये कथन कारण दोनों सही है, मतलब कथन सही है कारण असत्य है। यह है, कठोर व्यायाम, फिर से वो रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। प्रोटीन विटामिन से क्वेश्चन था। देखिए, ईओसीन लाल स्याही होता है। सेलुलर से चलचित्रों की फिल्म बनती है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। कॉपर सल्फेट से कवकनाशी। सॉरी, ठीक है। और कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है ये लीवर में। और किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में। और देखिए, इसमें जो है कैलोरीज के बढ़ते क्रम में, तो यहाँ देख लीजिए, दूध, अंडे, आइसक्रीम और शर्करा मक्खन ऐसे बढ़ते जाते हैं। और विटामिन ए से गठिया नहीं होता, इससे रतौंधी होता है। B1 से बेरी बेरी, सी से मसूड़े में खून आना, डी से सुखंडी रोग होता है, मतलब सूख जाता है शरीर। बाल और ऊन में कौन से विटामिन पाए जाते, मतलब प्रोटीन पाए जाते हैं? तो केराटीन। ये विटामिन ए है, रतौंधी होता है। B1 से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिस्ट्रिकेट्स। और निम्नलिखित में सल्फर युक्त एमिनो अम्ल होता है मेथियोनिन। गेहूं के दाने में पाया जाने वाला प्रोटीन है तो गुलेटिन होता है। और कुछ लोग ग्लूटेन फ्री आटा खाते हैं ना, मतलब गेहूं का नहीं खाते। कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन होता है? तो केराटिन। और देखिए, केला जो एक पक्के फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज पदार्थ है, इसमें 100 ग्राम में 116 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस एक की कमी हो जाती है? तो होती है सोडियम क्लोराइड की। निम्नलिखित में पोटेशियम अल्पता संबंध होती है वृक्क क्षति एवं पेशी लकवा से। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग होता है रक्तहीनता। मैड काउ रोग होता है प्रियॉन्स की वजह से। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है? चिलोसिस रोग होता है। और नियोसिन होता है पेलाग्रा। थायमिन से बेरी बेरी, विटामिन डी से सूखा रोग। विटामिन के से होता है बंदपन नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती इससे। और रेटिनॉल होता है आंखों का सूजन। और टोकोफेराल से होता है बंदता। और साइनोकोबालामिन से होता है घातक रक्तअल्पता। पायरोडॉक्सिन से होता है मानसिक व्याधि, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो मधुमेह। बाकी पोलियो, खांसी, चेचक के लिए वैक्सीन लगता है। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? तो ये अग्नाशय। मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्यतः कारण हो सकती किस कारण? गोइटर रोग इसके कारण हो सकता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। रक्त में ग्लाइकोसिलेटिक हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो मधुमेह के लिए। ऐसा माना जाता है कि कोलेस्ट्रॉल जमा होने से होता है हृदय का विकार।
एनोस्मिया किसे कहते हैं? तो गृहाड़ संवेदना की कमी को, मतलब फीलिंग नहीं आती, मतलब सेंसिटिव अनसेंसिटिव ऑर्गन हो जाते हैं। खैरा होता है जस्ते की अल्पता में, एनीमिया लोह की कमी से होता है, ग्वाइटर होता है आयोडीन कमी से, और स्कर्वी होता है विटामिन सी कमी से। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता संबंध है? तो वह गुर्दा क्षति तथा पेशी लकवा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह संबंधित नहीं है? तो रेटिनॉल नहीं है। बाकी विटामिन वन का नाम है थायमिन, बी टू का राइबोफ्लेविन है, बी थ्री का नियासिन है, बी फाइव का पेंटोथेनिक है, और ये है सिक्स का पायरेडॉक्सिन, और 12 का है साइनोकोबालामिन, और एक का है रेटिनॉल। हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे वसा होती है, वह निम्नलिखित में से किस एक के अवरुद्ध बाधा क्रम में कार्य करती है? तो यह शरीर को सुमा की हानि के रूप में नहीं होने देती। और एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरीज मिलती है? तो कुछ नहीं मिलती है, जीरो। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, कब रोकना है, तो वह पीड़ित होता है बुलिमिया रोग से। इसमें पता ही नहीं चलता, खाए जाते हैं खाए जाते हैं। अधिकांश प्राणियों के लिए जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है प्रोटीन। और निम्नलिखित में से कौन जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो वह एटीपी से एडीपी का बदलना। बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थि रंध्रता है। तो मानव स्वास्थ्य के लिए वसा समानता हानिकारक समझा जाता है, यह स्तर कम करता है किसका? यह करता है एचडीएल का। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? तो यह मुक्त मूलकों के प्रभाव को कोशिकाओं को बचाते हैं। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से संचित रहता है? तो लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन से। एंजाइम सीखा है, वे जैव एंजाइम के क्वेश्चन है, वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, एंजाइम मूलतः होते हैं तो प्रोटीन के, और यह है मिलान करना है, कौन सुमेलित नहीं है। सिक्रेनिन जो होता है सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट, तो गलत है। एड्रेनलिन हार्मोन से, थायमिन विटामिन है, केराटिन प्रोटीन है। सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि यह कार्बनिक यौगिक है। और निम्नलिखित में से कौन सा आहार मनुष्य शरीर के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन। विटामिन है कौन सा? तो देखिए विटामिन है इसमें से, चलिए एंजाइम है केराटिन, सॉरी एंजाइम है हार्मोन से प्रोजेस्टेरॉन, प्रोटीन आपका है पेप्सिन, प्रोटीन केराटिन प्रोटीन है, एंजाइम जो है पेप्सिन है, विटामिन है केराटिन कैरोटीन। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में तत्व पाए जाते हैं तो कैल्शियम, एंटी फ्रीज प्रोटीन पाया जाता है मछली में, और एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन, ये सब होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कौन सा प्रोटीन गाय के दूध में होता है? गाय के दूध में प्रोटीन कैसीन होता है। सोयाबीन के बीज में पाया जाता है, तो इसमें 40% प्रोटीन और 20% तेल। कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, केसवाल, लूता, रेशम, खुर। तो कपास प्रोटीन नहीं है, बाकी सब प्रोटीन है। और माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है? तो आयरन का। और तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती हैं, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आयोडीन आवश्यक नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि देता है? तो यह आयोडीन। और प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाया जाता है, तो पाया जाता है सोयाबीन में। प्रोटीन निम्नलिखित में से किस अम्ल से एकत्रित होता है? तो यह अमीनो अम्ल से। भोजन एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट, भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? तो केसिन के साथ साथ केराटिन। निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो वह वसा। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? तो वह पालक। और निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो वह रागी। और प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सही नहीं है? तो देखिए ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते, सही है। यह भावनात्मक पर्यावरणीय दबाव के सामना कर सकते, गलत है। ये उदासी से लड़ सकता है, ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। और नेक्स्ट है,
अल्फा अल्फा केराटिन केराटिन क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, तो ये रहता है उनमें। दूध का धवल रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है कैसीन की वजह से। और एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है, जन्म के बाद पहले दिन में ही माँ के दूध में उपस्थित रहता है, उसके बाद नहीं, यह पदार्थ होता है कोलेस्ट्रॉल। दूध एक उदाहरण है पायस का। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है, तो गाजर है। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन ए का नहीं होता है, बाकी सबका होता है। निम्नलिखित में किसी युग्म का सुमेल नहीं है, थायमिन है, बेरीबेरीस होता है, बेरीबेरी थायमिन को जस्ट कमी होता है, स्कॉर्बिक एसिड स्थिति होता है, स्कर्वी। विटामिन ए वर्णांधता, ये वर्णांधता नहीं रतौंधी होता है, के से रक्त जमना। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। कौन सा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, तो वह है गाजर। और है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो वह आम। और निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो दूध नहीं है, बाकी आम गाजर पपीता है। रेडोक्सिन पाया जाता है तो आंख में। विटामिन ए वर्णांधता, वर्णांधता नहीं रतौंधी होता है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ए से गठिया, तो गठिया नहीं रतौंधी होता है, बी से बेरीबेरी, सी से मसूड़ों से खून आना, डी से सुखंडी। और नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो विटामिन ए की कमी नहीं हो जाएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा ही है, कमी हो जाएगी अगर कोई सब्जी नहीं खाएगा, विटामिन ए नहीं मिलेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद करे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, गलत है, क्योंकि फल खा के विटामिन ए ले सकता है। दूध, चीज एवं अंडे निम्नलिखित में से किस विटामिन के स्रोत हैं, तो वह है ए और डी के। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, विटामिन ए संतरा नींबू होता है, यही सुमेलित नहीं है, नींबू संतरा में होता है विटामिन सी। और कथन कारण का है, ये मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है, तो ये कथन, तो कथन गलत है, कारण सही है। ये विटामिन डी रिकेट्स होता है, सही है। विटामिन के से बांझपन नहीं होता है, रक्त बल ब्लड मतलब खून ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, थायमिन से बेरीबेरी, नियासिन से बेलाग्रा। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा युग्म प्रतिऑक्सीकरण है, तो ये तो भाई दिख ही नहीं रहा, छोड़ो। तो विटामिन ए से रोतामंदी होता है, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, टी से रिकेट, ई के से रक्त का थक्का जमना, ई से बांधता। विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए से रतौंधी, बी सिक्स से क्या होता है रक्तअल्पता, सी से स्कर्वी, बी थ्री से पेलाग्रा। और निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि वर्णांधता यह अनुवांशिक रोग है, ना कि किसी विटामिन कमी से। विटामिन के किसमें पाया जाता है, तो विटामिन के पाया जाता है अल्फा अल्फा में, विटामिन डी पाया जाता है अकोर्डियकृत में, विटामिन ई गेहूं के ब्रूड तेल में, और विटामिन सी नींबू में। ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 2, डी। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, कुछ विटामिन आंतरिक तथा अंत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, सही है। कुछ विटामिन हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, ये भी सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी सही है। के जल में घुलनशील है, तो गलत है, बी और सी जल में घुलनशील। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाता है, तो बेरी बेरी होता है, ये बी सिक्स धान के चोकर में था, बी टू ये गलत है, ये डी होता है, और ये ई से गेहूं के अंकुर में, कैसे अल्फा अल्फा मतलब अल्फा अल्फा में पाया जाता है। कथन कारण है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते जाते, और मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का संश्लेषण करते हैं, तो एक दूसरा कारण गलत है, कथन सही है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, खोज किया था, आविष्कार नहीं किया था, विटामिन का। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन बी12 नहीं पाया जाता है, विटामिन बी12 जंतु उद्गम खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो ये दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। विटामिन से बलवर्धक तत्व हैं, जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, गलत है, कारण सही है, कथन सही है।
कुछ विटामिन बसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है? बी और सी। थायमिन है तो थायमिन है विटामिन B1। B1 का नाम थायमिन है और B2 का राइबोफ्लेविन, 6 का पायरेडॉक्सिन, 7 का बायोटिन, 12 का साइनोकोबालामिन और C का स्कॉर्बिक अम्ल, D का कैल्सीफेरॉल, E का है टोकोफेरॉल। तो यह साइनोकोबालामिन है तो ये विटामिन B12 का नाम है, तो याद कर लीजिएगा इस बार। विटामिन B12 निम्नलिखित में कौन सी धातु मजबूत मौजूद होती है? कोबाल्ट होता है। और निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है? तो B6। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युग्म प्रतिऑक्सीकरण कारक तरह कार्य करता है? तो वह विटामिन AC और BCE दोनों। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है क्या लिखा है, विदर्थ क्या करके लिखा है, तो इसकी कमी से मुंह के किनारे होंठ के आसपास फट जाता है। और देखिए विटामिन है बीमारियां हैं, तो ए से क्या होता है रतौंधी, बी से बेरी बेरी, डी से सूखा और के से नवजात शिशु के रक्त संबंधी बीमारी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? थायमिन, बेरी बेरी, डी से सूखा रोग, के से वांदीपन, के नहीं ई से वांदीपन होता है, तो नियासीन पेलाग्रा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो कैल्सीफेरॉल अस्थिर उग्रता सही है, नियासीन पेलाग्र चर्म रोग होता है, कोबालामिन से संघासित रक्ताल्पता है, राइबोफ्लेविन से बेरी बेरी नहीं होता है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 प्रतिऑक्सीकारक होता है और सी प्रतिस्कर्भी होता है और डी वंध्याकरण नहीं होता, ई से होता है ये, बाकी ये के से प्रतिरक्तस्रावी कारक है, सही है, सी होता है, सी से स्कर्वी, और फोलिक एसिड होता है ये रक्ताल्पता, और विटामिन ए रतौंधी, B1 बेरी बेरी, ऑप्शन हो जाएगा ए। और विटामिन से कितने क्वेश्चन आए? बहुत क्वेश्चन आते हैं। B12 से कोबाल्ट में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो है ये लोहा में, और क्लोरोफिल मैग्नीज और मैग्नीशियम और चैल्को पायराइट तांबा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ये मिलान करना, ये भी वही क्वेश्चन है, विटामिन रतौंधी होता है विटामिन ए से, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और रिकेट्स, डी से, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए से रतौंधी, B12 से पेलाग्रा, डी से वर्णांधता नहीं होता है, आनुवांशिक रोग है, फोलिक एसिड, रक्ताल्पता, ये मिलान करना है, बेरी बेरी बी, रक्तस्राव के, रतौंधी ए, अस्कर्वी सी, ऑप्शन डी। 4-3-1-2, फिर यही है, क्या बताऊं बार बार वही। ठीक है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। निम्नलिखित में से विटामिन से कौन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो भंडारित शरीर में होता है सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो वह आयरन के। निम्नलिखित विटामिन में से किसको स्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है? तो सी को। ए का नाम रेटिनॉल है, बी का थायमिन, सी का स्कॉर्बिक, डी का कैल्सीफेरॉल। घाव के भरने में सहायक विटामिन है? तो वह सी। यह निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है? तो मिर्च में पाया जाता है। और खाद्य पदार्थों को भूनने, उबालने अथवा तलने पर निम्नलिखित में से किस विटामिन के नष्ट होने की प्रबलता होती है? तो विटामिन सी के। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नींबू, गाजर, संतरा, मूली, तो इसमें सी पाया जाता है, खट्टे चीजों में, मतलब नींबू में पाया जाएगा, संतरा में पाया जाएगा, ऑप्शन सी। और निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रयुक्त भूमिका निभाता है? तो वो डी हो, डी है, 1 मिनट, डी है ना, ये निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में त्वचा में उपस्थित मतलब बनते हैं? वो डी है। विटामिन डी के सृजन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल है उसका नाम ना। निम्नलिखित विटामिन से कौन सा एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? डी। ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो गेहूं के अंकुर तेल।
चलिए आगे करते हैं। ये है ये सब तो हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे यौगिक के किस रूप को सहायक आहार कारक कहते हैं? तो विटामिन को। और मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के वजह से जमता है? तो विटामिन के। ये तो याद हो चुका है अब तक। ये कौन सा विटामिन रक्त का थक्का? तो के है। अब है डिजीज कास्ट बाय, मतलब कार मतलब सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग उपचार और संबंधित उपकरण। तो एंटीबायोटिक्स नष्ट किए जाते हैं बैक्टीरिया को। और एड्स एड्स का मामला सर्वप्रथम भारत में 1968 में देखा गया। भारत का पहला एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में स्थापित किया गया, और साथ ही एड्स राष्ट्रीय संगठन कंट्रोल संगठन का निर्माण प्रोग्राम क्रियान्वयन के लिए किया गया। यह नेशनल काउंसिल ऑफ एड्स के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये गलत है, बाकी दोनों सही है। सॉरी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ये 1968 नहीं, ये 1986 में देखा गया था। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है तो आवाज आवाज सही नहीं दिख रही होगी, सुनाई दे रही होगी आपको। निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु किनका कारण है? तो इससे होता है कुष्ठ रोग और प्लेग। ऑप्शन 1 एंड 2। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी एक ड्रग गिद्धों की समष्टि में हास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई? तो है डिक्लोफेनिक सोडियम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? तो एड्स एचआईवी के कारण होता है, सही है। हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है? तो जांच होती है ना, ईओसी की। ठीक है, नेक्स्ट है अपोहन प्रसारित किया जाता है जब जब गुर्दे काम नहीं करता। आयोडीन युक्त नमक का प्रचार किया जाता है दूर करने के लिए किसको? तो अपोस मतलब घेंगा को। बीसीजी का टीका किसके लिए होता है? क्षय रोग के लोग मतलब रोग के लिए होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्वारनाशी है, पैरासीटामॉल, प्रतिफेनकारक है, पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स, पूतिरोधी है, तो एस्पिरिन गलत है, दर्द निवारक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्लोरमाइसिटिन, चाइफाइनासी है, क्रिस्टल वायलेट पूतिरोधी है, कुनैन है मलेरिया रोधी, और एस्पिरिन निश्चय तक नहीं है, दर्द रोधी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बर्बिट्यूरिक एसिड, शाकनाशी, तो गलत है। ये मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के लिए होता है, उपचार में यूज होता है। क्लोरम्फेनिकोल प्रतिजैविक है, मॉर्फिन दर्द निवारक, क्विनिन है मलेरिया रोधी। किस वर्ष में जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ था? 1987 में। पोलियो के टीके खोज किसने की थी? तो वे जॉन सॉल्क ने की थी। निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो यह काला आजार नहीं है। कुष्ठ रोग होता है तो यह होता है बीजीवाणु से। और यह है प्लेग, प्लेग किससे होता है? तो प्लेग होता है जीवाणु से, एड्स होता है विषाणु से, गंजापन होता है कवक से, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ऑप्शन हो जाएगा D4321। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है क्या होता है? तो राइनो वायरस, ये कोरोना में भी होता है। जीका वायरस किस रोग का जनक है? तो माइक्रोसिफैली। ब्रिटिश अनुसंधान द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता का पौधा जो भारत का देशज है, औषध निर्माण समावय के लिए अरबों डॉलर की क्षमता रखता है। करी पत्ता द्वारा उपचार दवा किया जाता है मधुमेह का। यह मनुष्य में एम्फ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। और यह मलेरिया है, मलेरिया होता है रक्त कोशिकाओं में। और फाइलेरिया जो होता है ये होता है लसिका ग्रंथि फूल जाती है। इंसेफलाइटिस क्या होता है? ये होता है मस्तिष्क से। और ल्यूकेमिया होता है बोन मैरो, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशु में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटा वायरस। और गोल कृमि से होने वाला रोग होता है फाइलेरिया। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाला रोग होता है मैग्नेनाइटिस। और ये है डेंगू बुखार निम्नलिखित में किस मच्छर काटने से होता है? तो ये होता है एडीज और क्यूब्लेक्स, क्यूब्लेक्स नहीं, एसीआई बाघ मच्छर काटने से। मिनी माटा रोग का कारण क्या है? तो यह है मर्क्यूरिक प्रदूषित जल। नॉक नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण कारण होता है? तो ये होता है क्लोराइड। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो यह होता है मेथेमोग्लोबिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? डेंगू, फाइलेरिया से, निद्रा रोग, निद्रा रोग मछली मक्खी काटने से, सिसिफ्लाई। निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पूरे विश्व में समानता सर्वाधिक पाया जाता है? तो है कार्सिनोमा।
कार्सिनोमा कैंसर जो होता है ये त्वचा तो या उद्गम उत्पन्न होता है। पार्किंसंस रोग निम्नलिखित किस संबंधित है, तो मस्तिष्क से। यह कौन सा सुमेलित नहीं है, और रक्त तथा हीमोग्लोबिन की प्रचुरता होता है उदक में जो होता है रक्त शर्करा, ये गलत है। उदक में रक्त शर्करा सुमेलित नहीं है, उदक में अग्नाशय रक्त शर्करा संबंधित नहीं है। यह एक असमान विकार है जो शरीर में तरल पदार्थों के असंतुलन कारण होता है। हृदय रोग वसा रूपरेखा होती है, और वृक्क रोग सीरम क्रिएटिनिन से। निम्नलिखित में से अनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है, तो यह हीमोफीलिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रोग अनुवांशिक विसंगति नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, सब अनुवांशिक रोग नहीं है। सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। अधिरक्त स्राव होता है, तो एक अनुवांशिक विकार होता है। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो इसमें से कोई नहीं होता है भाई, जो ऑप्शन दिया है। तो इसमें आंखों की लेंस प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, खसरा, रेबीज, पोलियो। तो 6 रोग टीबी जो होता है ये होता है जीवाणु से। कौन विषाणु जनित मतलब जीवाणु जनित रोग है, तो यक्षमा, टीबर के लिए से टीबी। भारत में 6 रोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के सबसे अधिक वयस्क मरते हैं, अधिकांश 6 रोग 15 से 59 आयु वर्ग के होते हैं। तो कथन कारण सही, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, तो वह है हैजा। और निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है, तो वह है टीटनेस। और इनमें से कौन सा बीमारी वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती है, पोलियो, पांडुरोग, चेचक, डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है, तो हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग उसे मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग होता है, लीवर। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो होती है वायरस से। और AIDS निम्नलिखित में से किस रोग के नाम से संक्षिप्त रूप होता है, तो एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं होता है, पीचो और डेंगू ये सब होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की। और निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, तो H1N5N1 होता है। निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है, सिवाय एक को छोड़कर, किसको छोड़कर, अंतर्ज्वार को। और निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता, 6 रोग का, टिटनेस, खसरा, खसरा का। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है, तो पोलियो और बर्ड फ्लू का। यह हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है, इसमें जल से पानी के पास आने से डर लगता है। एड्स के लिए उत्तरदायी जीवा विषाणु उदाहरण है, तो है रेट्रोवायरस। और निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित होता है, तो होता है गंजापन। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है, तो रतौंधी अनुवांशिक नहीं है, विटामिन की वजह से होता है। कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है, तो वह है वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों। नेक्स्ट है, इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है, तो वह कैडमियम से होता है। मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो मच्छर प्रजाति। और मलेरिया सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो वह होता है मलेरिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है, तो वी वीवैक्स है, पी वीवैक्स। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, तो ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। सेरेब्रल मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम फालसी पेरम द्वारा। काला ज्वार किसके कारण होता है, तो एथर्ड लिस्मैनिया डोनो वानी के द्वारा। यह है काला आजार होता है, काला आजार होता है सैंड मक्खी के द्वारा। निद्रा रोग होता है सीसी फ्लाई द्वारा। डेंगू ज्वार होता है क्यूलेक्स द्वारा। और हाथी पाव, एक मिनट, क्यूलेक्स द्वारा ये होता है हाथी पाव, और डेंगू होता है एडीज द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और थैलेसेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित में प्रभावित करती है, तो खून को। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें सरसा बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या का। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानता पाया जाता है छोटे बच्चों में। मस्तिष्क तथा मेरुरज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से वाला रोग होता है मेनिनजाइटिस। जाड़ों में किसका सुमेलित मतलब जोड़ों को देखना है, निमोनिया, फेफड़े से होता है,
निमोनिया फेफड़े में होने वाला रोग है, इसका सुमेल सही है। बाकी मोतियाबिंद आँख में होता है, पीलिया भाई यकृत में होता है, मधुमेह ये तो पेनक्रियाज। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में किसकी वजह से होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होती है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको पैंडेमिक कहते हैं। और कौन सा है निम्नलिखित में संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता है? तो प्लेग नहीं होता है। और ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो गुर्दे को। और वातोन्माद रोग समानता किस वर्ग में होता है? तो ये जवान महिलाओं में होता है। ओरल सब म्यूकोसिस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तंबाकू युक्त गुटखा। यूरोप में उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? तो मैट काउ रोग ने। एम्फाइसेमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होती है, इसे प्रभावित मानव अंग होता है तो वह फुफ्फुस फेफड़े होते हैं। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है उसे पक्षाघात हो गया है दोनों हाथों में दोनों पैरों में। मदिरा के किसे सेवन से कौन सा रोग होता है? तो यकृत का सूक्ष्म रोग। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है, इसमें लोग क्या थे निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती है। मिलावटी सरसों के तेल के पके भोजन को खाने से होने वाले रोग वाले सबसे खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं हो सकता? तो धान की भूसी के तेल मिलावटी नहीं हो सकता, बाकी देखेंगे। एस्बेस्टस धूल ये क्या प्रभावित करता है? फेफड़े को, सीसा मस्तिष्क को, और पारा प्रभावित करता है उदर को, और मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्तधारा को। ऑप्शन बी मैरस्मस होता है। मैरस्मस प्रोटीन सॉरी दीर्घकालीन उपवास से होता है, क्वाशरकोर प्रोटीन से होता है, टीबी जीवाणु संक्रमण हेपेटाइटिस बी शिशाणु। तो ऑप्शन ए। इंसेफेलाइटिस होता है मस्तिष्क से, फाइलेरिया फाइलेरिया लसिका पर उसे, लिकेमिया जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, मलेरिया रक्त कोशिका। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मानव शरीर में उर्वरक सबसे लंबी अस्थि है, फीमर सही है। हैजा रोग जीवाणु कारण होता है, ये विषाणु से नहीं होता है, ये होता है ऑप्शन ए सी सुमेलित तो नहीं है। स्व प्रतिरक्षित रोग है संधिवात संधिशोथ, अनुवांशिक रोग है क्षय रोग। तो अनुवांशिक रोग क्षय रोग थोड़ी बैक्टेरियस होता है। मधुमेह के रोगी निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण होता है? तो इनमें प्यास अधिक लगती है, पेशाब अधिक लगती है, भूख अधिक लगती है। तो ऑप्शन डी। निमोनिया फेफड़े मोती मेतियाबिंद मोतियाबिंद आंखों में होता है, यहाँ कहाँ हो गया, पी हो जाएगा गलत, और ये निमोनिया फेफड़े में सही है। ऑटिटिस क्या होता है? तो ये कान में होता है। और इंसेफेलाइटिस इंसेफेलाइटिस होता है मस्तिष्क, लैरिंगाइटिस ये जो होता है गला, और हेपेटाइटिस यकृत। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। मलेरिया मलेरिया जो है ये हो जाएगा चीता मच्छर, काला जार होता है क्यूलेक्स, डेंगू होता है एनाफिलिस, और इंसेफेलाइटिस एंड्राइड। ऑप्शन एक मिनट सही है। कौन सा असुमेलित है? इटाइटा कैडमियम मिनीमाटा पारा प्रदूषण मरकरी से होता है ना नाक। अच्छा मरकरी पारा तो पारा से होता है, और नाक नहीं शीशा से गलत है, शीशा से नहीं होता है नाक नहीं, नाकनी प्रदूषण शीशा कारण नहीं होता है, यह रोग फ्लोराइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? तो खसरा का। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो वृतवंधी नहीं है, विटामिन से होता है। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो यह है प्रतिजीवाणु। COVID-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक्स था संपूर्ण वायरस का टीका। स्टैनिन जिसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने के लिए होता है उत्पन्न किया जाता है, तो ये खमीर से मतलब यीस्ट से। ठीक है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। डेंगू बुखार है तो प्रयोग होने वाला चिकित्सीय परीक्षण है तो निकट परीक्षण। नाको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध होता है एड्स से। मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान की जाती है तो एंडोस्कोप से। और क्षय रोग परीक्षण हेतु विशेष परीक्षण होता है वेंट्रोक्स परीक्षण। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो कुकुर खांसी टिटनेस और डिप्थीरिया।
बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाता है? तो ये तो जन्म के तुरंत बाद। सुअरों के मानव रियासत क्षेत्र से दूर रखने के लिए उन्मूलन सहायक है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। और ये है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध होता है हृदयाघात से, और बीटा ब्लॉकर एक औषधि बचने हेतु होती है हृदयाघात से। बहुचर्चित बबल बेबी रोग जो होता है, यह इसलिए होता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जन्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले से होता है। तो ठीक है, यहाँ तक आपका ये जो साइंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चे खुशी है वो कंप्लीट कर देंगे, बाकी खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।